जो कहा वो किया कांग्रेस। कांग्रेस सरकार गठन के पहले ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के जनवरी घोषणा पत्र के वायदे के अनुरूप किसानों का कर्जा माफ कर और धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की राज्य के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी करारा तमाचा है, जो लगातार किसानों के कर्ज माफी के वायदे पर प्रदेश में झूठा भ्रम फैलाने में लगी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीरम नरसंहार के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे डालने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लेकर प्रदेश के लाखों कांग्रेस जनों और राज्य की जनता में एक उम्मीद जगाई है, अब चीरम का सच सामने आएगा। कांग्रेस सरकार के पहले ही दिन लिए गए तीनों ऐतिहासिक फैसले राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एहसास करवा दिया है कि होनहार बिरवान के हर चिकने पात छत्तीसगढ़ में सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है।